विनय के नियमों में निदान के बाद जो पराजिक आता है, पराजिक के बाद में संघादि शेष। संघादि शेष का मतलब है संघ आदेश, यानी कि जो संघ आदेश देता है उसके ये नियम है। ये पांच प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला है वो यानी काम शक्तिता, काम आशक्ति के जो नियम है वो पांच हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी संघ को चलाने के लिए, इसलिए ये दूसरे नंबर पे सबसे पहले आए हुए हैं। क्योंकि काम वासना मनुष्य का पीछा छोड़ती नहीं, या भिक्षुणी हो या भिक्खु हो, काम वासना जीवन से आती है। जीवन आरंभ भी काम वासना से ही होता है, सेक्स से होता है, काम भोग से होता है। तो यहां पांच नियम हैं, ये संघ में जरूर अप्लाई करने चाहिए। जितने भी संगठन है दुनिया के अंदर, जो अच्छे संगठन है वो इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए उनके संगठन मजबूत रहते हैं। जो संघादि देश का मतलब है, इसका मतलब है कि एक भिक्कु या बहुत सारे भिक्कु इस आदेश को नहीं दे सकते। अगर बहुत सारे भिक्कु इकट्ठे हो जाएं तब भी इस आदेश को नहीं दे सकते। जब संघ बैठेगा, जब पूरा संघ की सभा होगी, तभी वो निर्णय लेगा, जो आदेश देगा उसको संघादि शेष बोलते हैं। इसमें जो सजा दी जाती है, इसमें सस्पेंशन की जाती है, यानी उस भिक्कु की कुछ समय के लिए, जितना समय संघ निर्धारित करे उसके लिए वो सस्पेंड हो जाता है। तब तक वो भिक्कु नहीं रहेगा, वो प्रायश्चित करेगा, साधना करेगा, ध्यान करेगा, मगर भिक्कु संघ का नहीं रहेगा। भिक्कु की उपाधि उसकी खत्म हो जाती है, उसको तब तक ही सस्पेंड करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है कि अगर स्वप्न के अलावा कोई आदमी जो बीज है, मनुष्य बीज जिसको वीर्य बोलते हैं या सीमन बोलते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो मनुष्य है, जो आदमी है, उसके अंदर बीज बनता रहता है, सीमन बनता रहता है, वीर्य लगातार 24 घंटे बनता रहता है। अगर वो बनेगा तो उसका एक नियम है कि वो बाहर भी निकलेगा। तो बाहर निकलने का उसका एक नेचुरल नियम है कि वो अपने आप ही निकल जाता है। अगर वो अपने आप निकल जाता है, सोते सोते निकल जाता है या जगते जगते निकल जाता है, तब तो वो कोई समस्या नहीं आती। मगर भिक्खु संघ अगर उसको जान के निकालता है, अगर उसको किसी और तरीके से निकालता है नेचुरल वे के अलावा, तब इसको संघादीश बोलते हैं। यानी कि ये जो बीज मोचन है, यानी बीज का जो मुक्त करना है बिना नेचुरल तरीके के, अननेचुरल तरीके के, अप्राकृतिक तरीके से, ये संघादि शेष के अपराध में आता है। और संघादि देश में संघ इसको अगर वो स्वीकार करता है, बताता है, और स्वीकार और बताना करना पड़ता है, अदरवाइज उसको फिर एक ऐसा दोष लगेगा जो उसको ध्यान साधना नहीं करने देगा, जो भगवान बुद्ध ने इससे पहले बताया था और मैंने आपको बताया है। दूसरा आता है इसमें, अगर कोई भिक्कू विकार युक्त, ये ध्यान दें, अगर कोई भिक्कू है और उसके मन में विकार आ गया। विकार क्या मतलब है कि उसका मन में देश आ गया, राग आ गया, या मोह मूर्ता आ गई, कोई ऐसी बात आ गई कि अब मुझे क्या करना है, किसी जो स्त्री है उसको छूना है, या उसकी जो वेणी है यानी जो उसके बालों के गुच्छे हैं, जो उसका जूड़ा है उसको छूना है, या उसके बालों को टच करना है, या उसके शरीर के हिस्से के किसी को छूना है, और ये विकार युक्त मन से करना है। अगर विकार युक्त मन नहीं है, मन उसका सच्चा है, और सच्चे में अगर वो छूता है तो कोई समस्या नहीं है। जैसे किसी बच्चे को प्यार करना है या किसी को प्यार करना है, तब विकार मन में नहीं है। मगर अगर विकार मन के साथ में छू रहा है उसको, तो ये संघादि शेष में आता है, और संघादि शेष के अंदर यानी संघ के आदेश में आता है, और इसमें उसको समय, कुछ समय के लिए या जितने भी समय के चाहे भिक्कु, उसको भिक्कु संघ से सस्पेंड कर देगा। तीसरा है, कोई अगर किसी से बात, किसी स्त्री से मैथुन संबंधी यानी कि सेक्सुअल इरोटिक ऐसी कोई बात करता है, जो संभोग की बात है, जो काम वासना की बात है, इस तरह से बात करता है जैसे कोई माड़वक माड़विका से करता है, कई जैसे कोई युवक युवती से करता है, जैसे युवक युवती जो साधारण होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वो आपस में बात करते हैं। अगर वो कोई सेक्सुअल संबंधी, सेक्स संबंधी ऐसे कोई सेंटेंस बोलता है या बात बोलता है भिक्कू, तो फिर वो संघादि शेष में आता है, वो क्राइम है, वो पाप है, उसकी सजा उसको मिलेगी। चौथे नंबर पे आता है, अगर कोई भिक्कु किसी स्त्री से विकार युक्त चित्त से, यानी कि उसके मन में पाप आ गया, और उससे ये कहता है कि स्त्री को बोलता है बहन या भागिनी या भगिनी, तुम एक काम करो कि तुम कुछ समय के लिए मेरी ऐसी सेवा करो, सेक्स वाली सेवा करो या संभोग वाली सेवा करो,
ये सेवा सारी सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ होती है, तुम्हें इसका बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा तुम्हें अच्छा चीज मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे जैसे एक वीतरागी, एक वीत कामी, एक ऐसे बहिचर्य वाले, ऐसे शुद्ध आदमी की सेवा करोगी तो तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। अगर कोई भिक्खु इस तरह से किसी महिला को कहता है तो ये संघादि देश का पाप होता है और इसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी। पांचवा होता है, अगर कोई भिक्खु किसी महिला को या किसी पुरुष को दूत बनाकर भेजे किसी महिला के पास या किसी पुरुष के पास और ये कहे कि तुम मेरे जार हो जाओ या तुम मेरी जारी हो जाओ। जार बोलता है, जार का मतलब है यार और जारी का मतलब है यारी हो जाओ, और तुम कुछ समय के लिए मेरी पत्नी, कुछ क्षण के लिए मेरी पत्नी बन जाओ और मेरी इस काम वासना के लिए कुछ क्षण के लिए पत्नी बन के आओ, तो ये संघादि शेष है और इसमें इसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ इस प्रकार के ये पांच दोष हैं और ये पांच दोष क्योंकि बीच बीच में सारे भिक्खुओं में कहीं ना कहीं ये आते रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो उनका नियम बनता है और नियम बनता है तो उसकी पनिशमेंट भी होती है, जिसकी आवृत्ति, जिसकी आपत्ति हर 15वें दिन है, 15वें दिन में पूरी सभा बैठती है, वहां जो भी दोष ऐसे करता है उसकी पनिशमेंट होती है। अपने आप को वो प्योरीफाई करते रहते हैं, अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं, परिशुद्ध करते रहते हैं, अपने को दोष मुक्त करते रहते हैं ताकि कोई उनसे पाप ना हो और भिक्खु संघ लगातार मजबूत होता रहे। ये किसी भी संगठन के लिए, जो भारत में संगठन चलता है उस संगठन का, चाहे सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे बच्चों का है, चाहे स्कूल का है, उसके लिए ये नियम बहुत जरूरी है कि इन नियमों का पालन लगातार होता रहे, जिससे कि जो प्रचारक हैं, जो भिक्खु हैं, जो भिक्खुनी हैं, वो बिल्कुल शुद्ध और परिशुद्ध बनते रहें तो लोग भी शुद्ध और परिशुद्ध बनते रहेंगे। ये जो कामाशक्ति के जो नियम है, ये नेचुरल नियम है, ये नेचर के हिसाब से है, क्योंकि मनुष्य और जो स्त्री या पुरुष हैं वो नेचर ने बनाए हैं और ये नेचर का ही पार्ट है। अगर आप इन यूनिवर्सल नियमों को नहीं मानेंगे और इस तरह से नियम को नहीं चलाएंगे तो करप्शन फैल जाएगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, भ्रष्ट आचरण फैल जाएगा, और जो कामेशु मिथ्याचारा वीरमणि वाला जो सील है वो टूट जाएगा, और सील टूटेगा तो सारा संगठन बिखर जाएगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। एक मिनट के लिए अगर आप सोचो कि भगवान बुद्ध अगर अपने सीलों में, आचरण में, विनय में पक्के नहीं होते, धर्मों में पक्के नहीं होते, तो क्या इतना बड़ा काम, इतना बड़ा संगठन करते? कोई उनकी सुनता ही नहीं। क्यों सुनता? जो हमारा शास्त्र है, जो कहता है वो कुछ करता नहीं, ऐसा लोग मानते और हाँ हाँ करते तो कोई बात चलती नहीं। यही कारण है कि जो हमारे जितने भी नेता हैं उनकी लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इसलिए लोग हाँ हाँ तो करते हैं, बात नहीं मानते। इसलिए ये नियम उनको अपने संग में, अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। अगर वो ये नियम और ये अपने जीवन में उतारेंगे तब संगठन चलेगा। जो भिक्खुओं के नियम है कामाशक्ति के, वो अलग है, वो ज्यादा है। जब भिक्खुओं के मैं बताऊंगा तो उस समय आपको उसके बारे में बताऊंगा कि भिक्खुओं के कितने नियम भगवान ने बनाए हैं। अगले वाले अंक के अंदर, क्योंकि आगे जो इसके आएगा संघादि देश में, वो कुटी निर्माण के दो नियम आएंगे, जो रहने के लिए कुटी बनती है उसके भी नियम है, बहुत सारे नियम है विनय के, इसलिए विनय को देखते रहें, विनय के नियम के आधार पर अपने संगठन को बोलते रहें कि आप ये नियम अप्लाई करो, और नेता को तो खास तौर से कहें कि आप विनय के नियमों को अपने अंदर डालो, तब लोग बात मानेंगे। धन्यवाद।